आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और वहीं 5वें चरण का मतदान 27 तारीख को होना है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के प्रमुख जगहों में से एक दशहरापुर मार्केट में। आपको बता दें कि अब जो अवध क्षेत्र है, वहां से मतदान होकर अब ये चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बाराबंकी शहर में। अगर बात करें तो 2017 के चुनाव की, तो यहां से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 6 में से भाजपा ने 2017 में 5 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं बाराबंकी सदर से सपा के सुरेश यादव यहां से विधायक चुने गए थे। वहीं हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बाराबंकी की इस सीट पर, सदर सीट पर क्या समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि को चुनकर 2017 में जनता उन्हें विधानसभा भेजी थी, वो कहां तक क्षेत्र की समस्याओं को निदान दिला सके हैं और वहीं क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या चीज है। जी, आप अपना नाम बता दें। श्यामनाथ। श्याम जी, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 चरणों का मतदान हो गया है, अब अगला बाराबंकी में भी अगले चरण में मतदान होना है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। और अगर बात करें तो इस विधानसभा में जहां से सुरेश चंद्र जी जीत के आए थे 2017 में, कैसा विकास कार्य किया है? विकास कार्य बढ़िया हुआ है। कुछ हमें गिनाएं। अरे काम हुआ है सब जगह, काम, हाँ बाराबंकी में काम हुआ है। अगर बात करें तो विपक्ष छुट्टा जानवरों को लेकर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? छुट्टा जानवर तो है ही, हो तो किसानों का नुकसान हो ही रहा है। तो हम कुछ युवाओं के पास भी चलेंगे, कुछ बच्चों के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल। सौरभ, क्या करते हैं आप? पढ़ाई। किस क्लास में? BA। कोविड के बाद से क्लासें जो है वो ऑनलाइन चलने लगी, आप किनारे आ जाइए। क्लासें जो ऑनलाइन चलने लगी, कितना समझ पाते हैं ऑनलाइन क्लास से? ऑनलाइन क्लास से क्या, गूगल मीट वगैरह पे कराते हैं तो उसके लिए बहुत डेटा चाहिए, तो ज़्यादा सारी क्लास हो नहीं पाती है और पूरा टाइम भी नहीं दे सकते हैं, तो ऑनलाइन में उतना बेटर नहीं हो पाता जितना ऑफलाइन में होता है। जब टीचर से कम्युनिकेट करोगे आप तो आप अच्छा समझ में आएगा आपको। अच्छा, आप वोटर हैं? हाँ, इस बार हैं, इसी बार से। इस बार है, कैसा महसूस कर रहे हैं जब पहली बार वोट देंगे? अरे वोट देने का क्या, ठीक ही महसूस कर रहे हैं, अब जो भी होगा। आपके मुताबिक किसकी सरकार? अरे हमारे मुताबिक बनेगी नहीं, लेकिन अगर चाहें तो हम ये चाह रहे हैं कि हर बार सत्ता में जो है जो उसका चेहरा चेंज होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अगर बार बार बनेगा तो फिर अपनी मनमानी करेगा जैसे अंग्रेज करते आए हमारे साथ, तो इसीलिए हर बार चेहरा जरूर चेंज होना चाहिए। तो जैसा इस बार है सपा और भाजपा की टक्कर है, तो इस बार मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी, तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ भाई यहाँ भी खड़े हैं, आप अपना नाम बता दे भाई। भैया मेरा नाम अर्जुन यादव है। अच्छा, आपके मुताबिक 2022 की रेस कौन जीत रहा है? हमारे वहाँ तो अखिलेश यादव जी आएंगे। अगर बात की जाए तो जो तत्कालीन सरकार है जो अभी भी मौजूद है, उसके काम से कितना खुश है? देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ठोको नीति चल रही है यहाँ यूपी में, बिना मतलब के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और लोगों के संदर्भ में ये देखिए कि क्या बता दें, आप बात पार्टी आप खुद ही देख रहे हैं। क्षेत्र के विकास की बात करें तो अभी यहाँ सपा की सरकार विधायक थे, किस तरह का विकास कार्य किए? विकास हमारा देख लीजिए आप, रोड पे दिख ही रहा विकास, समाजवादी पार्टी का विकास। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके मुताबिक क्या है। आप अपना नाम बता दें। हिमांशु। हिमांशु जी, आप इस बार वोट देंगे? जी सर देंगे। चौथी बार वोट दे रहे हैं आप? क्या
चौथी बार वोट दे रहे हैं आप? दूसरी बार है। दूसरी बार जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। वही बात की जाए तो 2017 से बीजेपी सरकार है, अगर बात की जाए बाराबंकी में तो 6 सीटों से 5 सीट जीत के आई थी, किस तरह का विकास कार्य हुआ? मैंने बहुत बढ़िया विकास कार्य रहा। कुछ हमें बताएं। अरे कानून व्यवस्था देख लीजिए और रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार देख लीजिए, बहुत बढ़िया विकास था। पीछे भी छुट्टा जानवर की बात हो रही थी, विपक्ष भी उठा रहा है, तो बाराबंकी के अंदर में अच्छा खासा किसान रहते हैं, पिपरमिंट की खेती होती है यहाँ पे मुख्य रूप से, क्या कहेंगे छुट्टा जानवर से? क्या यहाँ के किसान परेशान है? किसान ही तो छोड़े हैं, योगी मोदी तो छोड़ने आए नहीं, उन्हीं अपना वो छोड़े हैं उन्होंने, तो दिक्कत तो होगी। आपको लगता है कि सरकार को गौशालों में इनके भेज के और निजात दिलाना चाहिए? हाँ, गौशाला में भेजना चाहिए इनको। अगर बात करें समस्याओं की तो बाराबंकी में क्या समस्या है, अब क्या आशा अपेक्षा रखते हैं कि आगामी जो जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे उनके द्वारा इस पर काम किया जाए? नहीं, इस बार काम करेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे, रोड जहाँ नहीं बनी हुई है वहाँ बनाएंगे। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मयंक वर्मा है। अच्छा मयंक जी, 2017 के 2022 के चुनाव में 22 की रेस कौन जीतते हुए दिख रहा है? हमको परिवर्तन दिख रहा है। हाँ, और वहीं अगर बात करें तो पिछली बार बाराबंकी की 6 सीटों में से 5 सीट बीजेपी जीत के आई थी, तो किस तरह का विकास कार्य हुआ? विकास कार्य हमको तो कहीं नहीं नज़र आता है, और जैसा पिछली बार हुआ था 6 में 5 आई थी भाजपा की, इस बार शायद जस्ट समीकरण उल्टे होंगे, हो सकता 6 में 6 भी हो सकते हैं। आप अपना नाम बताएं। आदित्य वर्मा। इस बार हम चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि हम युवा हैं और रोजगार, महंगाई देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने कोरोना काल में देखा, स्कूल हमारे बंद कर दिए गए, कोचिंग बंद कर दिए गए, लगातार रैलियां चलती रही, तब कोरोना नहीं था, शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाया जाता था और बाकी जो है बंद कर दिया गया। ये क्या है, अगर हमने फर्स्ट डोज लगवाई फिर सेकेंड अपने आप कम्प्लीट हो गई, ये कोरोना है, हम लोग को चूतिया बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। रोजगार के मामले में एकदम पीछे सरकार है, हम लोग युवा हैं, हमारी 20 एज हो गई है, अभी 18+ लगता है, लगभग फॉर्म पढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी हमने एक भी जो है एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, क्या है ये? अच्छा, बाराबंक में देखा जाए तो सबसे पीछे सरकार, महंगाई भी बढ़ गई है यहाँ पे। हम 5 किलो या 10 किलो हम कहते हैं गरीब को काम दीजिए, दान नहीं दीजिए, क्योंकि देश हमसे बढ़ेगा, हमको नहीं बढ़ाएगा, हम देश को बढ़ाएंगे। आप शिक्षा एजुकेशन पर बात करिए, जहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, ये क्या है मुद्दा? आप कम से कम एजुकेशन स्वास्थ्य के लिए बात कीजिए, हम लोग को आगे बढ़ाएगा। मतलब आपके मुताबिक जो भी सरकार है शिक्षा चिकित्सा रोजगार पे काम, बिल्कुल ये पीछे है। शिक्षा चिकित्सा आप ही देख लीजिए, कोई भी रैली में शिक्षा के बारे में नाम लिया जाता है, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का मुद्दा, बस राम मंदिर बन जाने से हमारे घर का खाना नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को काम की ज़रूरत है और हम युवा हैं। बात की जाए तो बाराबंकी शहर लखनऊ से महज कुछ दूरी पे है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो किस तरह का विकास कार्य किया गया और साथ ही साथ उद्योग जगत के लिए क्या काम किया गया? उद्योग जगत के लिए ना अभी यहीं कोई कंपनी लगी है कि उसमें कम से कम रोजगार अपना काम देख सकें, बाकी बची चीनी मिल के वो भी बंद कर दी गई, सूद मिल वो भी बंद कर दी गई, उद्योग लगेगा तभी रोजगार मिलेगा। ठीक, जरूरी नहीं सरकारी नौकरी सबको मिले, लेकिन जब कोई कंपनी आएगी, कोई उद्योग लगेगा तो उसमें नौकरी तो मिलेगी ही, तो इससे क्या मतलब बाराबंकी के पास होते हुए भी, लखनऊ के पास होते हुए भी कोई मतलब विकास ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बाराबंकी में चल के रोडों पर कोई विकास नहीं हुआ है। छुट्टा जानवरों पे क्या कहेंगे? विपक्ष इस मुद्दे को काफ़ी उठा रहा है और तमाम विपक्ष की पार्टियां, इस पे आपका क्या कहना है? छुट्टा जानवरों से सभी लोग परेशान हैं, अब इस पर क्या कहा जाए, लेकिन कोई भी चीज़ का हर बात पर वो धर्म और जाति पर ले आते हैं, गाय हमारी माता है, तो अब इस पर आगे क्या बोला जाए? अगर बात किया जाए तो सरकार कह रही है कि हम 4 लाख रोजगार दिए हैं, 4 लाख रोजगार दिए, इस पे आप 4 लाख कहाँ से हमको गिना दे 4 लाख रोजगार, जो 68,000 वो अध्यापक की टीचर की वैकेंसी निकाले तो वो शिक्षा मित्र के हिसाब से निकाले तो उसको नहीं किया गया, वहाँ फिर अध्यापक कर दिया, फिर वही 6800 पद, वो 6000 पद रोक दिए गए थे कि इनको नहीं हमने करेंगे, फिर 6000 पद को उन्होंने चयनित के लिए कहा। आप देख लीजिए किसान जो बिल हुआ साथ, वो कम से कम 700 किसान शहीद हुए, तब आपको नहीं समझ में आया चुनाव समझ में आप किस क्यों बिल वापस कर लिए, जब वो गलत था तो आप चलते चलते चुनाव के चक्कर में आपने वापस कर लिया। ये लगातार जनता को भ्रमित कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बढ़ा रहे हैं। आप जातिवाद पे वोट ना करिए, आप विकास पे करिए, जो विकास हुआ हो आप उस पे वोट करिए। हमारी तो ये कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए और बिल्कुल आना चाहिए, तभी हमारा देश का सुधार होगा, उद्धार होगा।
अच्छा, अगर परिवर्तन आता है तो क्या आशा अपेक्षा रहेगी आगामी सरकार? आगामी सरकार से यही है कि वो पढ़े लिखे इंसान है, हम श्री अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार हमारे हिसाब से सही चलेगी। योगी जी हैं बस केवल जाति धर्म पे बात करते हैं, ये हमें नहीं अच्छा लगता। आप जाइए रैली, हमसे दिक्कत कुछ नहीं है, आप जाइए रैली में, विकास के नाम पे हमने ये किया है, हाँ ठीक है, आपने ये केंद्र राम मंदिर बनवाए हैं, राम को लाएं, आप राम लाएं, पहले वहाँ राम नहीं थे, ये बताइए। आस्था अपनी जगह पे होती, राजनीति अपनी जगह पे होती, आस्था को लेकर राजनीति ना करिए, हमारा यही कहना है जी। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र वर्मा। अच्छा सुनील जी, हमें ये बताएं, सुरेंद्र जी हमें ये बताएं कि 2022 की रेस कौन जीतते हुए दिख रहा है आपको? आपने तो कई बार मतदान किया और कई सरकारों को देखा है। देखिए ज़्यादा तो हम कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ युवाओं में ज़रूर रोष है रोजगार को लेकर के, और कोई भी गवर्नमेंट आए इस इशू पर विशेष ध्यान दें। और वहीं अगर बात की जाए तो सरकार कह रही है कि हम लॉकडाउन के टाइम में अनाज दिए, साथ ही साथ आवास दिए केंद्र सरकार की तरफ से, इज्जत घर शौचालय दिए, तो उस पर क्या कहेंगे? सही ढंग से लोगों को बट पा रहा है क्या, पात्र लोग पा पा रहे हैं? अब ये तो हम नहीं बता पाए पात्र पा रहे हैं। अपने क्षेत्र की बात देखिए, शहरी क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों को, छुट्टा जानवर की है। इस पर कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे लोगों को इससे निजात मिले। आए दिन सड़क पे भी, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इन्हीं छुट्टा जानवरों से हो रहे हैं, तो इस पर कोई भी गवर्नमेंट आए इस पर एक्शन ले। अच्छा, बाराबंकी खेती किसानी के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है, पिपरामिंट के लिए जाना जाता है, तो क्या हाल है यहाँ के किसानों की, आप अपनी आँखों से बताएं। मेंथा यहाँ का जो है प्रमुख जो है एग्रीकल्चर क्राप, जो है ऐसी क्राप है जो कैश क्राप कह सकते हैं लोग, इसीलिए मेंथा और आलू की तरफ यहाँ मूवमेंट ज़्यादा है किसानों का। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे कोविड की वजह से हो या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन किसान थोड़ा परेशान है। अगर बात करें तो सरकार कह रही है कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसान उसका कारगर उपयोग कर पा रहा है? मैं समझता हूँ कि जो कैश इन हैंड होता है, कैश इन हैंड के बजाय अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लगाए कि जिससे उनकी एग्रीकल्चर में ही बेनिफिट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एक किसान के लिए। अच्छा, आप युवा हैं, आपके मुताबिक क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनती हुई? बदलाव होगा इस बार जो है अखिलेश यादव जी के, युवाओं नौजवान किसान हिंदू मुसलमान सब साथ अखिलेश यादव जी का दे रहे हैं, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। अच्छा, जो अभी पक्ष की सरकार है वो कह रही है कि अगर अखिलेश आएंगे तो गुंडई बढ़ेगी, माफियागिरी बढ़ेगी, इस पे क्या कहेंगे, उनका ये कहना है? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गुंडई समाजवादी पार्टी में बढ़ जाती, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिस प्रकार से किसानों के ऊपर टेनी ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी और 4 महीने बाद उनको जमानत मिल जाए। आशीष मिश्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, आशीष मिश्रा टेनी की बात कर रहे हैं। रोजगार मांगने जाओ तो छात्रों में प्रयागराज में लाठी डंडा चलाते हैं, धरने पे बैठते हैं उनके पे लाठी डंडा चलाते हैं, ठोको नीति का अपनाते हैं, नौजवानों को ठोकते हैं, व्यापारी को कमरे में ठोक देते हैं ले जाकर पुलिस से। हमारे एक व्यापारी आईटी सेल के, एप्पल के हमारे व्यापारी थे, उनको लखनऊ में पुलिस ने दिन दहाड़े गोली मार दिया। तो यहाँ ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसान से लेकर नौजवान, नौजवान से लेकर युवाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों को, सबको अपमान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति करती रही है। बात रही राम मंदिर की, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनवाया गया, उसमें कोई हस्तक्षेप इनका नहीं है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं हम राम को लेकर, राम सबके हैं, हम सबके हैं, हम भी आस्था राम की रखते हैं, लेकिन जिस तरह से राम को बता रहे हम लेकर आए, नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, मोहन चौकसी भाग गए, 22,000 करोड़ रुपया घोटाला अभी हुआ है, उसका कोई जनता का कोई भी डाटा ये नहीं दे पा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है, युवाओं लाठी खा रहे हैं, नौजवान हत्या हो रही है दिन दहाड़े। किसान की बात करते हैं, 5 किलो गल्ला की बात करते हैं, क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त है इनका कि अगर कोई आदमी कुछ भी बोल दे तो उसको एक खुद ही उन्हीं की पुलिस इनको खुद ही ठोक देती है। वो चाहे प्रयागराज में युवाओं के ऊपर लाठी चली, शिक्षा थे हमारे, शिक्षित युवाओं थे, अपनी नौकरी मांगने गए थे, उनको वो खुद ही भाजपा ही गुंडाई कर रहे हैं।
किसान धरना देते हैं तो उनके टेनी महाराज के लड़के उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं, युवाओं धरना देते हैं उन पर लाठी चला देते हैं, व्यापारी अपना डीलिंग करने गोरखपुर जाता है वहाँ पुलिस उनको गोली मार देती है ले जाकर। किस लॉ ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुमलेबाज। बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी बड़े माफिया थे उनको जेल में भेज दिया गया या फिर उनकी संपत्तियों को कुर्की किया गया, उस पर क्या कहना? सिर्फ तीन माफिया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खां जी के ऊपर जिस प्रकार से देखा जाए, आजम खां के ऊपर भैंस चोरी, बकरी चोरी इनके लगे, उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। एक समाज को उनको गुंडाई नहीं दिखाई देती है। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये क्या माफिया नहीं है? ये क्या माफिया नहीं है तो क्या है? ये माफिया है कि नहीं है? आप कह सकते माफिया है? आप नहीं कह सकते। आप भी पत्रकार बंधु, आप भी माफिया उनको नहीं? जो अपराध करे वो माफिया है। अपराध करे माफिया? तो ब्रजेश सिंह क्या है, राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उनके ऊपर कितने सैकड़ों दर्जनों उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ब्रजेश सिंह के ऊपर, धनंजय सिंह के ऊपर, क्या ये माफिया नहीं है? आज टेनी का लड़का चार पहिया गाड़ी चढ़ा कर, थार चढ़ा कर किसानों को रौंद देता है, वहीं ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे जो एक दिन बिहाई आती है दूसरे दिन उसको जेल में डाल देता है, आज भी उसको जमानत नहीं मिल पाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। श्रम समाज की बात करें, एक जात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, ब्राह्मणों के ऊपर ये अत्याचार किया है। जिस प्रकार से देखा जाए उन लोगों ने सबसे पहला तो भारतीय जनता सरकार बनी, पशुराम जयंती को सबसे पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर विश्वकर्मा समाज को ख़त्म कर दिया, उनकी नौकरी, उनकी छुट्टी को आवासिक दिवस मनाया जाता उसको ख़त्म कर दिया। पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है, जिस पर वो इस बार बदलाव होगा और अखिलेश यादव जी फिर से आएंगे। जी चाचा, आपका नाम क्या है? केशवराम यादव। अच्छा, आपके मुताबिक 2022 की जो रेस है वो किस सरकार को जाती हुई दिख रही है, कौन जीत रहा है ये रेस? समाजवादी पार्टी। अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में से क्या है, वो समस्याएं हमें अवगत कराएं? किसानों के लिए जैसे जानवर का है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मनमानी कर रही है, जिसको मर्जी है उसको अंदर कर दे, जिसको उसे छोड़ दे, अपराधी छोड़े जाते हैं, उनसे पैसा ले दुरुपयोग किया जाता है, छोटे निर्बलों को। कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम ऐसी योजनाओं को लाए हैं जिससे गरीब जो तबका है उनको काफ़ी मदद मिल रही है, जैसे किसान सम्मान निधि और आवास योजना बताया जा रहा है, वहीं आपका इज्जत घर, शौचालय बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे किसान सम्मान निधि 2000 रुपये दिए जाते हैं, खाद महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इन्हें किसान के ऊपर चौगिरदो महंगाई, अगर उसको खेत भी जुताना है तो 500 रुपये भी खेत, 2000 क्या होता है, कुछ नहीं खाद के लिए। और रही बात जो है सम्मान निधि के अलावा महंगाई के ऊपर आ जाइए, एक मान लीजिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर पहले 450 रुपये की थी, आज 950 रुपये लग रहे हैं। मान लीजिए कि आप जो है इसमें मुझसे 950 रुपये लिए एक सिलेंडर, मुझे गल्ला आप दे रहे हैं फ्री, तो एक तो मुझे हरामखोर बना रहे हैं, हम अपनी मेहनत से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मुझे गल्ला खाने को मिल रहा तो हम क्यों काम करने जाएंगे? तो पहली बात तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से। और रही बात ये कि उस गल्ले की कीमत मुझसे एक महीने में एक सिलेंडर से ले ली जाती है, जैसे 450 का सिलेंडर है 950 बिक रहा, 500 रुपये अतिरिक्त जा रहे हैं, 500 रुपये में ये जितना भी गल्ला है सब मिल जाएगा जी। तो इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जो गल्ले का पैसा है वो एक सिलेंडर से दे निकाल लिया जा रहा है। आप वहीं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके विचार में क्या है। आप अपना नाम बता दें। जी, विशाल नाम है मेरा। विशाल जी, आपके मुताबिक 2022 की रेस कौन जीतते हुए दिख रहा है? समाजवादी। कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि 4 लाख रोजगार दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सही किए हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इस पर आप क्या? जी सर, अगर 4 लाख वैकेंसीज कह रहे हैं दिए हैं, शायद 2018 में RRB की NTPC की वैकेंसीज आई थी, उसको अभी तक फिल नहीं कर पाए। अगर आप सोचिए, जब गवर्नमेंट बन रही थी
तब वैकेंसीज रिलीज की गई थी, अभी तक फिल नहीं की जा रही है, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात कर जी 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 तो सर हमारे और आप लेखपाल की वैकेंसीज 3 साल से प्रस्तावित हैं, अब जाके सिर्फ नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप हुए, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा। आप टेट देख लीजिए, टेट का पेपर पहली बार लीक हुआ है, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ है, हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले भविष्य में ये पेपर लीक होंगे, एग्ज़ाम होंगे या फिर इसी तरीके से वैकेंसीज आगे बढ़ाई जाएंगी। और दूसरी बात, आप प्राइवेटाइजेशन की और आप फोकस कर रहे हो, हम मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, लेकिन आप एक साम्यवादी पे भी तो बात करिए, आप अगर रोजगार गवर्नमेंट रोजगार अगर PSU आप बैन डालेंगे तो वैकेंसी सरकार कह रही है कि प्राइवेट कर देने से जो विभाग है उनकी हालत सुधर जाएगी। सरकार दलील ये दे रही है कि विभागों को प्राइवेट करने पे उनमें गुणवत्ता में सुधार आएगा, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, इस पर क्या कहेंगे जी? अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो हमें तो इतना नहीं पता है कि एम्प्लॉय कैसे बढ़ेंगे। आप सोचिए कि अगर आप रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की होती है, अंडरटेकिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसको एम्प्लॉय को सिक्योरिटी कौन देगा? आप अगर एक व्यक्ति 20 साल तक तैयारी करता है, 20 साल तक एजुकेशन लेता है, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, प्राइवेट में जा रहा है, तो गवर्नमेंट कम से कम उसको सिक्योरिटी तो दे जी। आप बताइए, आप इस कोविड के दौरान आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे उद्यम जो थे वो बंद हो गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोजगार का एक माध्यम था, अगर वो ही बंद हो जा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूत बनेंगे? आप जैसे कि आप PSU, आप BPCL वगैरह भी नज़र है हमारे मोदी साहब की, तो अगर उसको प्राइवेट कर देंगे कहीं ना कहीं रिवेन्यू भी तो कम हो जाएगा गवर्नमेंट का। अच्छा, आप मुताबिक रिवेन्यू कम हो जाएगा। अच्छा, आप अपना नाम बताएं पहले। सर, मेरा नाम विकास वर्मा है। सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा जो कि आपने हमारे मुद्दों को उठाया, और जो है हमें ये पहले बताएं कि अगर बात की जाए बाराबंकी की इस सीट की तो मुकाबला किन दो प्रत्याशियों में? देखिए, मुकाबला यहाँ पे तो किसी प्रकार से मुकाबला कोई से नहीं है, कुल मिला के सदर जो विधानसभा सीट है बाराबंकी की, यहाँ पे सुरेश यादव के सिवा कोई नहीं आएगा, क्योंकि बात सुरेश यादव जी की नहीं है, उनका चेहरा बात करें तो यहाँ साइकिल का चेहरा जो अखिलेश यादव हैं उनके 2012 से लेकर 2017 के बीच में जितने भी काम हुए हैं, वो मेट्रो से ले जाए, कान्हा स्टेडियम ले जाए, एक्सप्रेस वे ले जाए, बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए, 108 एम्बुलेंस चला दी, बहुत सारे नहीं, हाँ जी, 2017 का चुनाव की बात आप कर रहे हैं, और मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि अभी सुरेश यादव जो कि यहाँ के सिटिंग विधायक है समाजवादी पार्टी से, 5 सालों में कैसा काम उन्होंने किया क्षेत्र के लिए? नहीं सर, वो काम हालांकि अगर कोई सत्ता में होता है तो उस सरकार में विधायक काम कर भी पाते हैं, हालांकि सत्ता में नहीं थे, फिर भी 2012 और 17 में सत्ता में थे तो उस समय पे उन्होंने काम बहुत सारे किए थे, लेकिन जो उनके विधायक निधि में जो भी पैसा आता था उससे उन्होंने अनेक सारे काम किए हैं, और अब की बार जो सत्ता में जब अगर आएंगे तो सत्ता में आने के बाद जो विधायक काम कर पाता है बिना सत्ता के काम नहीं कर पाए, उस हिसाब से अगर 2022 में फिर वो आ रहे हैं तो 12 से 17 में जिस हिसाब से विकास बाराबंकी में हुआ था उस हिसाब से विकास फिर से पुनः विकास किया जाएगा बाराबंकी में, अगर विधायक जी उसी प्रकार से बनेंगे फिर से वैसे ही होगा। इस वक्त हम मौजूद थे बाराबंकी के दशहरा बाग में, जहां साफ तौर पे लोगों का मिला जुला विचार है, और जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।